बांग्लादेश के कप्तान शकीब अल हसन अपनी चोट से उभर रहे हैं। भारत बनाम बांग्लादेश मैच से पहले बांग्लादेश के कोच चंडिका हाथुरुसिंघा ने शकीब की चोट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया और आगामी मैच के बारे में डिस्कशन की। शकीब को हाल ही में थाई की चोट से जूझना पड़ा था, जिसके चलते भारत बनाम बांग्लादेश मैच में उनकी अवेलेबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि मैच से पहले शकीब को नेट पर प्रैक्टिस करते हुए देखा गया। शकीब ने प्रैक्टिस सेशन में काफी देर तक बल्लेबाजी की, साथ ही विकेटों के बीच भी उन्होंने अच्छी रनिंग भी किया। कोच ने शकीब के अपडेट सवाल किए जाने पर कहा कि उन्होंने कल अच्छी बल्लेबाजी की और विकेटों के बीच अच्छी दौड़ भाग की। हमने कल स्कैन किया, इसलिए हम रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल वह ठीक है, हमने अभी तक गेंदबाजी में अटेम्प्ट नहीं किया है, इसलिए वह कल आएंगे और हम उनका दोबारा असेसमेंट करने के बाद डिसीजन लेंगे। अगर शकीब पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं तो टीम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। मुख्य कोच चंडिका ने कहा कि अगर वह खेलने के लिए तैयार नहीं है तो हम उन्हें जोखिम में नहीं डालेंगे, लेकिन अगर वो तैयार है तो कल उनके खेलने की पॉसिबिलिटीज है। बांग्लादेश को अपने पिछले 3 मैच में 2 में हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने वर्ल्ड कप में अभी तक सिर्फ एक ही मैच जीते हैं, जिसके चलते वह पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पर हैं। इसके विपरीत भारतीय टीम ने अपने पिछले 3 मुकाबले में जीत रिकॉर्ड की है और वह पॉइंट टेबल में टॉप पर मौजूद हैं। शकीब अल हसन अपने पिछले मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ चोटिल हो गए थे, इस दौरान उनके जांग में चोट आई थी। मैच के दौरान वह अपने टीम के लिए टॉप स्कोरर थे। ऐसे क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिकेट न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।